नमस्कार, आरसी शिक्षा ग्रुप बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपको ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिस छात्र के पिताजी खेती करते हैं, कृषक हैं, विपरीत पारिवारिक परिस्थितियां होते हुए भी छात्र अंशु यादव ने जैन परीक्षा में चयन देकर भूतासापुर गांव के साथ साथ बानसूर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्र ने आरसीआई स्कूल से कक्षा 9th क्लास से अध्ययन किया है। तो छात्र हमारे साथ में है अंशु यादव। सबसे पहले बेटा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, और बेटा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आरसीआई स्कूल में पढ़ाई कब से शुरू की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर मेरे को यहाँ आरसीआई में इन्वाइट करने के लिए। मैंने 9th, 10th, 11th, 12th आरसीआई में अध्ययन किया। काफ़ी अच्छा मेरा अध्ययन रहा आरसीआई में। मेरे को जेट में ये बेनिफिट मिला कि मेरे को फाउंडेशन कोर्स कराया गया। लगभग जेट में लगभग 50-70% कोर्स मेरा फाउंडेशन का जेट का आरसीआई में क्लियर हुआ। फिर मैंने टीचर्स से हेल्प ली, बाकी आगे की तैयारी की। काफ़ी अच्छा रहा आरसीआई का एक्सपीरियंस। 9th क्लास में बेटा आपने आरसीआई स्कूल में प्रवेश लिया, उससे पहले आप गांव के किसी स्कूल में या अन्य कहीं जगह पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको आरसीआई स्कूल और दूसरी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पढ़ाई का सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आरसीआई की मैं बात करूँ तो आरसीआई के सबसे पहले आरसीआई का डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन के मामले में पहले भी मैंने बाकी स्कूलों में पढ़ाई की है। डिसिप्लिन, फिर सिस्टमेटिक स्टडी, एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ और सर का वीकली मोटिवेशन सेमिनार, इनसे काफ़ी हेल्प मिलती थी, काफ़ी मोटिवेशन मिलता। बहुत अच्छा बेटा, आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को 11th क्लास में चूज किया, तो आपको एग्रीकल्चर चूज करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर बचपन से ही ताऊजी का ड्रीम था कि मेरे को एग्रीकल्चर दिलाना है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए मेरे को ताऊजी ने मोटिवेट किया। एग्रीकल्चर ऑफिसर बनाने की उनके ड्रीम थी, इसलिए उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज़ किया। बहुत अच्छा किया बेटा, आपने एग्रीकल्चर चूज किया, ताऊजी का ड्रीम था, ताऊजी के ड्रीम के अकॉर्डिंग आपने एग्रीकल्चर 11th-12th पढ़ाई की है, आरसीआई से आपने पढ़ाई करके और जेट में भी आपका चयन हुआ है। अब आप एग्रीकल्चर में जो ताऊजी का जो इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग आपका चयन भी हो गया और आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, पीजी कर लेंगे। फाइनली आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, किस प्रकार से आप सोसाइटी की एग्रीकल्चर के रूप में सेवा करना चाहेंगे? सर गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम चलाई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए। आज के प्रेजेंट के कंडीशन को देखते हुए, वाटर लेवल शॉर्टेज को देखते हुए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को ये मैसेज दूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं। और मैं जैसे ग्रेजुएशन कर लेता हूँ तो मैं लोगों को उसके बारे में बताऊँगा, आने वाले स्टूडेंट्स को भी एग्रीकल्चर के स्कोप्स के बारे में बताऊँगा, अच्छे फीचर्स के बारे में बताऊँगा और अच्छी खेती करने के लिए लोगों को बढ़ावा दूँ। बहुत अच्छा बेटा, आपका 11th-12th के बाद में आपका जेट में चयन हो गया। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एग्रीकल्चर लेते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर बने, जेट का एग्जाम वो भी दें, लेकिन सफलता कुछ बच्चों को मिलती है। सफलता कैसे मिले, इसके लिए आप अपनी तरफ से विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करें। अगर आप एक साल में आपका नहीं होता है तो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, उसके ऊपर वर्क करते रहें और हार्ड वर्क रखें, अपना एक डिसिप्लिन रखें कि इस टाइम पे ये करना है तो करना ही है। और बेटा आपने शहरी माहौल भी देखा है, आपने ग्रामीण परिवेश भी देखा है, आपने आरसीआई स्कूल का जो माहौल है वो भी देखा है। शहर से यदि स्कूल की और अपने आरसीआई कैंपस की अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या महसूस होता है कि आरसीआई स्कूल में या आपके यहाँ जो कैंपस था उसका माहौल किस प्रकार से, आपको क्या इसके माहौल के बारे में क्या कहना चाहिए? सर सबसे पहले तो डिसिप्लिन के मामले में स्कूल मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ था, ऐसा डिफरेंस लगा कि नहीं मैंने सिटी में स्टडी की और यहाँ की तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगा। काफ़ी अच्छा अध्ययन मिला और काफ़ी अच्छा स्कोप, मतलब मेरा लगभग 50-70% फाउंडेशन का क्लियर आरसीआई में हो गया था, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली आरसीआई स्कूल से। बेटा आपके पापा जी किसान हैं जी सर, और जेट में आपका चयन हुआ क्योंकि आप भी खेती में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। बानसूर कृषि प्रधान है,
ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स खेती करते हैं। कई बार क्या उनको डीमोटिवेट कर दिया जाता है कि खेती करने वाले जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे जो हैं इस प्रकार के एग्जाम जैसे नीट IIT JET ये फाइट नहीं कर सकते। तो क्या कहीं बच्चों को खेती जिनके पेरेंट्स करते हैं तो वो कई बाधा उत्पन्न होती है इस प्रकार के कंपटीशन में? सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेरा बताना चाहूँगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी पहले लगा कि जेट काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम है, काफ़ी मेहनत करने पड़ेगी, बाहर स्टडी करने पड़ेगी। मैंने 9th में RCI में एडमिशन लिया, काफ़ी अच्छा मेरा बेस क्लियर हुआ। 11th 12th में मेरे को फाउंडेशन पढ़ाया गया तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लगभग मैं ये कहूँगा कि RCI में मेरे को वही पढ़ाया गया था जो मेरे को जेट में मैंने सिटी में पढ़ा था, जयपुर में पढ़ा था। एंगोटा लास्ट में मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आपने ये जो तैयारी की है जेट में आपका चयन हुआ है, 11वीं 12वीं में आपने अच्छी तैयारी की है, आप अपने इस चयन का श्रेय किन किन को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिन गुरुजनों ने मेरे को पास्ट में प्रेजेंट में पढ़ाया है उनको देना चाहूँगा, मेरे माँ बाप को और सभी मेरे जो रिलेटिव है उन सभी को मैं मेरे सक्सेस का श्रेय देना चाहूँगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में अंशु यादव, RCI स्कूल का विद्यार्थी जिसने ग्रामीण परिवेश में विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी पापा जी खेती करते हैं ऐसी परिस्थितियों को कुछ बच्चे लेकर के और अपनी तैयारी जो है उससे भटक जाते हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों को ध्यान न रखकर के नजरअंदाज करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मोतासापुर गांव और बांसू का नाम रोशन किया है। ऐसे शख्सियत को पुनः RCI शिक्षा ग्रुप की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा। थैंक यू।